I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your... हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपनी रियल लाइफ में, और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। और यहाँ पर ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अब सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मखाने की खीर। ये कमर के दर्द में बहुत ही अच्छी रहती है कहते हैं सब। मैं तो पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी मखाने की खीर नहीं बनाई है इस तरीके से। तो चलिए बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं वही देखते हैं। यहाँ पर मैंने मखाना दो कटोरी ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये कमर के दर्द में काम आता है। मेरी बड़ी जीठानी है, वो ही बता रही थी कि तेरी कमर में दर्द रहता है, तो इस तरीके से खीर बनाकर रोज़ खाया कर सुबह के नाश्ते में। और यहाँ पर मैंने 2 गिलासी दूध डाल दिया है यहाँ पर, और अब इसमें 1 गिलासी मैं पानी डाल रही हूँ। और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे जब तक कि ये मखाने अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। और ये ढककर हम बनने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मिसबा बना रही है पराठे, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और इस तरीके से ये उबाल आ चुका है एक, और इसमें अब मैं चीनी डाल रही हूँ। आपको जितनी मीठा खाना है उसी हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा। और देखिए रात हमने सब्जी बनाई थी आलू मटर गाजर की, वही परांठे बनाए हैं मिस बने। और ये अब हम करने लगे हैं नाश्ता। ये रस की खीर होती है, बहुत टेस्टी बनती है। मिस मोइन की बड़ी अम्मी के यहाँ से आई है, मेरी जिठानी है बड़े वाली। जैसे कि आपको पता ही है, हम जो भी बनाते हैं अच्छी चीज़, या मैं बनाऊँ या मेरी जिठानी बनाए, मिसबा की बड़ी अम्मी, तो उनके यहाँ से आ जाती है और मैं बनाती हूँ तो मैं भी भेज देती हूँ। और यहाँ पर करने लगे हैं नाश्ता। और अब्दुलसमद, मोइन, मैं, मिशबा सभी बैठे हुए हैं। मोइन को पहले तो बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब इसको ज़्यादा पसंद नहीं है ये खीर, तो थोड़ी सी ली है इसने कटोरी में। और यहाँ पर अब्दुलसमद खाने लगा है परांठे, और मैं जो मैंने खीर बनाई थी मखाने डालकर, देखिए ऐसी बनी है ये, दिखाती हूँ आपको। इस बाउल में करके दिखाती हूँ, अच्छे से मिक्स ही नहीं हुए। आप कमेंट करके बताना खीर, अगर आप किस तरीके से बनाते हो ये, तो मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। मेरे से तो इस तरह से बनी है, दूध अलग हो रहा है और मखाने अलग हो रहे हैं, ये अच्छे से मिक्स ही नहीं हुए। इसमें पका अच्छे से पका भी लिया मैंने, तो कोई नहीं, ऐसे ही आज खाते हैं इसको, कल देखते हैं कैसे बनाएंगे। और यहाँ पर मिसबा के लिए भी मैंने बनाई थी ये खीर, मखाने वाली और अपने लिए भी। और यहाँ पर देखिए अब्दुलसमद का ये 1 गिलास दूध भी नहीं पी कर जाता, चाय तो पी लेता है। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो किचन की अच्छे से सफाई होगी, क्लीनिंग होगी। और यहाँ पर जो मैंने गुलाब के फूल इसमें पानी में डालकर रखे थे, वो सभी झड़ गए हैं, इनकी साफ़ सफाई करती हूँ। और मैंने कुछ रुमाल धो के रखे थे किचन के, टॉवल वगैरह, उनको भी ऊपर सुखा के आना है। जब धूप निकल जाती है तो बहुत सारे काम निकल कर आ जाते हैं हाउस वाइफ के लिए, धोना सुखाना, क्लीनिंग करना। करने के बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं आज। और एक ये मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये कटिंग भी ग्रो हो सकती है, इस तरीके से रख दूँगी मैं गुलाब की कुछ कटिंग, तो ये अच्छे से दिखाई भी देगा और मेरी कटिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने कुछ इसमें, और ये छोटा सा कप था मेरे पास, वेस्ट ही था ये, इसकी ये डंडी टूट गई थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें
छोटा सा पौधा लगाया है, यहाँ से डंडी टूट गई थी तो कोई इसे मैं किस तरीके से रखती हूँ, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है किचन में। अगर इस तरीके से कोई छोटे छोटे प्लांट आप लगाते हो तो मन अच्छे से लगा रहता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। और आज बहुत ही बिजी डे जाएगा क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं, और देखिए कितना डस्ट निकला है इनसे, मैंने सभी को क्लीन कर दिया है। और अब मैं किचन से फारिग हो गई हूँ, अब चलिए चलते हैं कपड़े धोने के लिए, चलते हैं छत पे देखते हैं कैसा मौसम है। और मुझे आज पाए भी बनाने हैं, पाए ला कर रख दिए थे मोइन ने, और यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको ही मैं कुकर में डालकर पहले रख दिया। अब छत पे आ गई थी मैं, यहाँ पर मैंने कंबल भी धोया है क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही थी। यहाँ पर मिसबा मेरी हेल्प कर रही है, अगर बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है, अगर अकेले ही मैं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मिसबा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वैसे तो मोइन भी से भी कराती हूँ मैं, जैसे कि कपड़े फैलाने हो गई, उतार के लाना, सब्ज़ी लानी, मेरी हेल्प कर देता है बहुत ज़्यादा, तो सभी हम मिलजुल कर इसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगी दो चीज़ों से मैंने लड्डू बनाए हैं, कैसे बनाए हैं वही आपको दिखाती हूँ। ये हैं तिल, देखिए ये अच्छे से मैंने सुखा लिए थे, और ये मावा निकाल के रखा है मैंने थोड़ा सा, और ये है बूरा, और ये कुछ सामान मेरा बच गया था जो मैंने चने के लड्डू बनाए थे वही था। और यहाँ पर मैंने तिल को कढ़ाई में चढ़ा लिया है, इसे अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा तो ब्राउन नहीं करना है हमको, हल्की आंच पर ही इसको भूनना है क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ये तिल जो है काले पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से इस टाइम बहुत अच्छी है, खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी, इसमें आपको पता चल जाएगा जब ये भुनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर लगभग ये रेडी है भुनकर, देखिए इसका वाइट कलर था और ऐसा हो गया, और मैंने यहाँ पर मिसबा को बोल दिया था कि इसको ग्राइंड कर लेना। यहाँ पर असर की अजान हो गई थी, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी और आ गई हूँ फिर से किचन में, ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि आज मैंने कपड़े भी धोए हैं, जर्सी वर्सी डाल कर आ गई हूँ। और यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाकर इसमें वो जो मैंने मावा घर का ही बनाया हुआ है, ये मेरा मावा, इस तरीके से ही बनाइए आप तो लड्डू बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसको अच्छे से भून लेना है इस तरीके से, ये घी छोड़ देगा इसका, देखिए मैं दिखाती हूँ भूनने के बाद कितना घी निकलता है घर के मावे में से, अगर आप बाज़ार का लाते हो तो इतना टेस्टी नहीं रहता। देखिए मैं तो घर का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मंगा लेती हूँ, जैसे कि गुलाब जामुन बनानी हुई, रसगुल्ले बोलते हैं, आप बताना आप क्या बोलते हो। और यहाँ पर जो ग्राइंड किए थे मैंने तिल वही डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पर आधा किलो तो तिल लिए थे और 250 ग्राम मैंने मावा लिया था, और आधे किलो यहाँ पर मैंने बूरा लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गैस जो है बंद कर देना है, गैस बंद करने के बाद कि ये मावा तो गर्म ही है, तो अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद देखिए ये बूरा थोड़ा रह गया था, चेक किया था मैंने, मुझे बूरा कम लग रहा था तो और डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बना लेंगे लड्डू, ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं बच्चों के लिए, तो आपको इस तरीके से बनाकर रख लेने चाहिए, सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर हम बनाकर खिलाएंगे अपने बच्चों को तो बड़े होने के बाद भी ये कहेंगे कि हाँ मेरी मम्मा तो इस तरह से बनाती थी और हमें बहुत टेस्टी लगते थे लड्डू, बड़े होकर तो कुछ ना कुछ तो याद रह जाएगी हमारे बच्चों के बचपन की। तो इस तरह के मैं कुछ ना कुछ मीठे में बनाकर रखती हूँ, मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, और कुछ तो ये बनाकर रखे हैं, कुछ और हैं, तो देखिए इस तरीके से आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए।
और यहाँ पर मैं बना करने लगी हूँ अब मसाले की तैयारी, क्योंकि पाए उबलने रखे थे वो अच्छे से उबल चुके हैं। और यहाँ पर मैं धनिया पीस लूँगी, सिलबट्टे पर ही बनाऊँगी आज पीस कर, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। थोड़ी सी मेहनत तो करनी बनती है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं हो पाती, लेकिन इस तरह से सिलबट्टे पे अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। टेस्टी बनकर तैयार होंगे मेरे पाए। इस तरीके से लहसुन और अदरक को मैं बाद में पीस रही हूँ यहाँ से यहाँ पर। और अब मैंने जला ली है आग, इस पर कढ़ाई रखने के बाद ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी, क्योंकि पाव में तो पहले से ही बहुत ऑयल होता है, चिकनाई होती है। और यहाँ पर ज़ीरा, दो इलायची, लौंग, काली मिर्च ली है। तेल गर्म होने के बाद सभी को डाल रही हूँ। मसालों का यहाँ पर मैंने बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि ये सूप की तरह ही बना रही हूँ। इसमें तो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही कैल्शियम होता है, इसीलिए आप ज़्यादा मसाले ना डालें। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ये वही मसाला है जो मैं सिलबट्टे पर पीस कर लाई थी। और इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही ऐड करूँगी। और थोड़ी नमक तो मैंने पहले भी डाला था जब पाए उबाले थे, तो आप नमक थोड़ा कम ही डालिए, फिर चेक कर कर डाल लेना है। यहाँ पर थोड़ी हल्दी डाल दी है और मिर्च मैंने इसमें ही पीस लिए है। और यहाँ पर प्याज का पेस्ट बना कर रखा था, वो भी इसमें ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया है वो जो मैंने तेल गर्म करके इसमें खड़े मसाले डाले थे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाओ तो पाए बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। और देखिए ये पानी रखा है कुकर में और ये मैंने निकाल लिया है इसमें, तो डाल रही हूँ। इसमें डालने के बाद देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है, कम आंच करके ही भूनना। अगर आप तेज़ आंच पे भूनोगे तो हमारा मसाला इतना टेस्टी तो नहीं होगा। जलाना हो गया, पकाना नहीं, वो तो पकता तो धीमे धीमे ही है। और देखिए यहाँ पर अच्छे से मेरा मसाला भूनकर तैयार है। देखिए इसने तेल अच्छे से छोड़ दिया है, तो अब डालेंगे इसमें जो पाए उबाल कर रखे हैं वो। यहाँ पर पाई डालने के बाद जो मैंने कुकर में पानी बचा कर रखा था वो भी इसी में ऐड कर देंगे हम। और इसी तरीके से आप बनाइए अपने घर पर, बहुत टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। वैसे तो हमने नान मंगाए थे, मिसबा बोल रही थी कि नान बहुत अच्छे लगते हैं पाए के साथ, हम ये पाए नान के साथ ही खाएंगे। यहाँ पर मिसबा के दादाजी के लिए मैंने कुछ रोटियाँ डाली थी। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मिसबा से बोल रही थी अपनी बड़ी अम्मी के यहाँ पर भी देकर आ, और अपने दादाजी का भी खाना देकर आ चुकी थी मिसबा। और यहाँ पर हमने लगा लिया है अपना दस्तरखान खाने के लिए। देखिए नान हमने मंगा लिए थे अपने लिए, और अब उतार रही है मिसबा। सभी बैठे हैं, बस मोइन के डैडी की कमी थी। वैसे तो मिसबा अपने डैडी नहीं बुलाती, अबू जी बुलाती है, लेकिन मैं वीडियो में बोल देती हूँ डैडी, अब से नहीं बोलूँगी, अब्बू जी ही बोलूँगी। और यहाँ पर मैंने ये तिल के लड्डू बनाए थे, वो भी रखे हैं। मैं तो टेस्टी बनाते बनाते ही मैंने टेस्ट कर लिया था, लेकिन खाना खाने के बाद भी थोड़ा मीठा हो जाए, क्योंकि हजूर की हमारे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मीठा खाना, शुरू में भी और बाद में भी खाते थे वो। तो इसी तरीके से आप भी